प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 यूपी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बेहद तेज होती जा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी लगातार दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में एक बार फिर पीएम मोदी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां 25 नवंबर को नोएडा में दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाना है। चुनाव से पहले पीएम मोदी प्रदेश को अरबों की सौगात देकर यूपी में एक बार फिर से कमल खिलाने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2022 के सियासी मैदान में उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। सूबे में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले पीएम मोदी यूपी में कई मेगा परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। इस तरह से मिशन 2022 में एक बार फिर से कमल खिलने की रणनीति है। मोदी पूर्वांचल से लेकर वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड इलाकों के सियासी समीकरण साधने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर पीएम मोदी यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और विकास के लिहाज से भी निर्णायक कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित राज्य सरकार के मंत्री और अन्य दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। यूपी सरकार की तरफ से जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन को भी भव्य बनाने की तैयारी है। बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं और पीएम मोदी की विशाल रैली भी करवाई जा रही है। इस खास कार्यक्रम के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है। यहीं पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं सीएम योगी खुद इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आला अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंध भी इस वक्त जारी है। कार्यक्रम के दौरान अवैध सुरक्षा के लिए जिले के बाहर से भी फोर्स बुलाकर तैनाती की जा रही है।
वहीं जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। योगी सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर की जमीन दी है। कहा जा रहा है कि 2024 तक एयरपोर्ट का पहला चरण बनकर तैयार भी हो जाएगा। ऐसे में भविष्य में यूपी के पास कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे। लखनऊ और वाराणसी में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से ही मौजूद है। कुशीनगर एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और 19 नवंबर को झांसी में विशाल रैली, नल के जरिए जल योजना सहित कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी नोट में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। जिसे 2022 के यूपी चुनाव से जोड़कर इस वक्त देखा जा रहा है। इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिसकी सौगात पीएम मोदी दिसंबर में देंगे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये तमाम सौगात 2022 के चुनाव ऐलान से पहले दे दी जाएगी ताकि बीजेपी विकास के रथ पर सवार होकर सत्ता में वापसी कर सके। इसके चलते तेजी से कार्य चल रहे हैं और इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।